কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীকে নসিপুর রেল ব্রিজে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিল বিজেপি জানা যায় বুধবার দুপুর বারোটার নাগাদ কংগ্রেসের সাংসদ অধীর চৌধুরী নসিপুর রেল ব্রিজ পরিদর্শনে আসতেই বিজেপি কালো পতাকা দেখায় এবং গো ব্যাক স্লোগান দেয় বিজেপির দাবি অধীর চৌধুরী যখন রেল প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন নসিপুর রেল ব্রিজ চালু করতে পারেনি এখন বিজেপির সরকার এই নসিপুর ব্রিজ চালু করছে অথচ অধীররঞ্জন চৌধুরী বারবার নসিপুর রেল ব্রিজ চালুর ব্যাপারে নিজের কৃতিত্বের কথা বলছেন আর এই ঘটনারই প্রতিবাদে এই গো ব্যাক স্লোগান বলেই জানাচ্ছেন বিজেপি অন্যদিকে অধীররঞ্জন চৌধুরী জানান তিনি নিজের ইচ্ছাতে এখানে আসেননি রেল আধিকারিকরাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং পরিদর্শন করাচ্ছেন পাব क्योंकि ये हमारे फर्ज बनते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बीजेपी पार्टी डीएम के पार्टी सारे पार्टी के यूथ रहते हैं और मेरे साथ आए हैं जनरल मैनेजर डीआरएम सियालदा जनरल मिल और तरह तरह की ऑफिसरों ने कि रेलवे दफ्तर की ऑफिसर है हमारी ये सरकारी ये प्रोग्राम है ये सरकारी अनुष्ठान इसलिए इन लोग आए हैं ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है मैं कांग्रेस पार्टी की नेता की हैसियत से ये नहीं आए हैं मैं आए हैं यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन की हैसियत से और ये रेल बीजेपी पार्टी की सरकार की मंत्री ये रेल की मंत्री होते हैं तो उनकी दफ्तर से लोग क्यों आए हैं ऑफिसर क्यों आए हैं रीजनल मैनेजर क्यों आए हैं ईस्टर्न रेल की क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की प्रोग्राम है पता नहीं कहाँ से कौन किसी भेड़ियों का कहाँ से किसी ने लाए होंगे इन लोगों का जान बुझ मतलब इन लोगों का ना इस बारे में कोई मतलब मालूम है कोई जानकारी है या नहीं पता नहीं मुझे तो तजुब लगा कि रेलवे की प्रोग्राम नहीं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैं चेयरमैन चेयरमैन की हैसियत से मैं उनको बुलाया और उनको आने पड़ी इसलिए कि ये रेलवे की साथ जुड़े हुए एक मुद्दा है सिर्फ या नहीं रेलवे की सारे दफ्तर के सारे ऑफिसर को मेरे सामने हाजिरी देने पड़ती जरूरत पड़े तो इसलिए उन लोग कहा है मुझे खुशी करने के लिए ईस्टर्न रेलवे की जनरल मैनेजर नहीं आए हैं मुझे खुशी करने के लिए डीआरएम नहीं आए हैं ये जिम्मेवार होते हैं उनका और यह हमारा अधिकार है बीच में रेलवे दफ्तर है उनका अलग रेल मंत्री है उनके साथ भी हम बात वार्ता करते हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि मैं विजिट किए हैं जल्द से जल्द ये चालू करा दो ये भी मैं कहूंगा आज आज ही मैं कहूंगा जाते जाते कहूंगा मुझे लगता है शायद वो शर्मिंदा होगी जब मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों की लोग नारा दे रहे थे मेरे खिलाफ शर्मिंदा होगी मैं जानता हूँ लेकिन क्या करें कहीं कोई अबूझ लोग रहते हैं क्या करें भेड़ियों अगर कोई चिल्ला कहीं कहीं कही से तो मैं क्या कर सकता पता नहीं कौन लोग थे ये रेलवे की आरपीएफ थे उनको जानकारी होगी मैं तो आज यहाँ नहीं बेल्ट लगा से लेकर एक के बाद एक स्टेशन दौरा कर रहे हैं ये हमारा अधिकार की तहत कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से कर रहे हैं लेकिन कहाँ के लोग कहाँ से आ गए पता नहीं सर इस लाइन में रेल दौड़ेगी जरूर दौड़ेगी जब तक ना दौड़ेगी तब तक मैं ही दौड़ूंगा